20 और अभ्यास के प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न है कि 5 से 2 बटा 3 प्लस 4 से 1 बटा 3 का मान होगा, 9 से 2 बटा 3, 9 से 1 बटा 3, 10 और 10 से 1 बटा 3। तो इसका जो उत्तर होगा वो आएगा सही। इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा 3, यानी 10 उत्तर आ रहा है। तो 5 से 2 बटा 3 प्लस 4 से 1 बटा 3 बराबर 17 बटा 3 प्लस 13 बटा 3 बराबर 17 प्लस 13 बटा 3 बराबर 30 बटा 3 बराबर 10 उत्तर, इस तरह से हल होगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, 8 से 4 बटा 5 माइनस 3 से 2 बटा 5 का मान होगा 5, 5 से 1 बटा 5, 5 से 3 बटा 5 और 5 से 2 बटा 5। तो इसका हल हो जाएगा 8 से 4 बटा 5 माइनस 3 से 2 बटा 5 बराबर 44 बटा 5 माइनस 17 बटा 5 बराबर 44 माइनस 17 बटा 5 बराबर 27 बटा 5 बराबर 2, 5 से 2 बटा 5, इसका उत्तर आएगा 5 से 2 बटा 5। और नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, 2 बटा 3 प्लस 6 बटा 9 प्लस 12 बटा 15 का मान है, 2 दूसरा 2 सही 1 बटा 15, तीसरा 2 सही 2 बटा 15 और चौथा 3 सही 2 बटा 15। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, हल करेंगे, 2 बटा 3 प्लस 6 बटा 9 प्लस 12 बटा 15 बराबर 2 इंटू 15 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 3 बटा 45 बराबर 30 प्लस 30 प्लस 36 बटा 45 बराबर हो गया 96 बटा 45 बराबर 2 सही 6 बटा 45 बराबर 2 सही 2 बटा 15 उत्तर। और नेक्स्ट है प्रश्न, 6 बटा 8 माइनस 3 बटा 8 का मान होगा 3, 3 बटा 8, 2 बटा 8 या 18 बटा 8। तो इसका हल करेंगे 6 बटा 8 माइनस 3 बटा 8 बराबर 6 माइनस 3 बटा 8 बराबर 3 बटा 8, तो इसका उत्तर होगा 3 बटा 8। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 4 से 3 बटा 5 माइनस 2 से 2 बटा 3 का मान होगा 20 बटा 15, 20 बटा 15, 28 बटा 15 और 20 29 बटा 15। तो हल करेंगे 4 से 3 बटा 5 माइनस 2 से 2 बटा 3 बराबर 23 बटा 5 माइनस 8 बटा 3 बराबर 23 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 5 बटा 15 बराबर हो गया 69 पॉइंट माइनस 40 बटा 15 बराबर 29 बटा 15 बराबर 1 सही 1 14 बटा 15 उत्तर। और नेक्स्ट है प्रश्न, 16 सही 1 बटा 3 इंटू 6 सही 3 बटा 4 इंटू 5 सही 1 बटा 5 का मान होगा, पहला 27 सही 2 बटा 3, दूसरा 573 सही 3 बटा 10, तीसरा 480 सही 3 बटा 4 और चौथा 480 सही 1 बटा 20। तो इसका हल करेंगे 16 सही 1 बटा 3 इंटू 6 सही 3 बटा 4 इंटू 5 सही 1 बटा 5 बराबर 49.3 इंटू 27 बटा 4 इंटू 26 बटा 5 बराबर 49 इंटू 9 इंटू 13 बटा 2 बटा 5 बराबर हो गया 5733.10 बराबर 573 सही 3 बटा 10। तो इसका उत्तर होगा 573 सही 3 बटा 10 उत्तर। नेक्स्ट है 49 बटा 11 भाजक 9 बटा 11 का मान होगा 5 सही 4 बटा 9, दूसरा 40 बटा 9, तीसरा 40 बटा 11 और चौथा 58 बटा 11। तो इसका हल होगा 49 बटा 11 भाजक 9 बटा 11 बराबर 49 बटा 11 इंटू 11 बटा 9 बराबर 49 बटा 9 बराबर 5 सही 4 बटा 9 उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न कि 19 बटा 18 19 बटा 18 29 बटा 18 और 16 बटा 36 और 16 बटा 9 में सबसे बड़ी भिन्न है, 19 बटा 18 29 बटा 18 62 बटा 36 और 16 बटा 9। तो इसका हल करेंगे तो होगा वहाँ 19 बटा 18, 29 बटा 18, 16 बटा 36 और 9 बटा 16, सभी का हर समान
करने हेतु एलसीएम लेने पर हो जाएगा 19/2/36, 29/2/36, 16/36 और 16 × 4/36 बराबर हो गया 38/36, 58/36, 16/36 और 64/36। तो इसका हो जाएगा आगे, क्योंकि सबसे बड़ा अंश 64 है, अतः सबसे बड़ी भिन्न 64/36 या 16/9 है। और नेक्स्ट है प्रश्न 9वां कि 13/22 और 13/19 और 13/28 और 13/35 में सबसे छोटी भिन्न होगी। पहला 13/22, दूसरा 13/19, तीसरा 13/28 और चौथा 13/35। तो इसका हल करेंगे, इस सभी भिन्नों में अंश समान है, अतः सबसे बड़े हर वाली भिन्न 13/35 सबसे छोटी भिन्न होगी। नेक्स्ट है प्रश्न 22/33, 24/33, 14/33 एवं 18/13 में सबसे कम मान वाली भिन्न है 14/33, 18/33, 22/33 और 24/33। तो इसको हल करेंगे कि सभी भिन्नों में हर समान है, अतः सबसे छोटा ही अंश वाली भिन्न 14/33 का मान सबसे कम होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न 4 × 12/10 को दशमलव में लिखा जाएगा 48.0, 0.48, 48.8 और 4.8। तो इसको हल करेंगे कि 4 × 12/10 बराबर 48/10 बराबर 4.8 लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है प्रश्न भिन्न में अवरोही क्रम में लिखी हुई भिन्न संख्याएं हैं 21/17, 13/17, 11/17 और 32/51। फिर दूसरा 32/51, 21/27, 13/17 और 11/17। तीसरा 32/51, 13/17, 11/17, 21/17। चौथा 21/17, 32/51, 13/17 और 11/17। इसका हल करेंगे तो सबसे हर समान करने पर एलसीएम लेकर के 63/51, 39/51, 33/51 और 32/51। अतः भिन्नों का सही अवरोही क्रम होगा 63/51, 39/51, 33/51, 32/51 या 21/17, 13/17, 11/17 और 32/51। यही सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि ए ने 7/3 किलोग्राम गेहूँ खरीदे, फिर राम ने उसे 3/5 किलोग्राम गेहूँ और दे दिए। ए ने उससे में से 1/3 किलोग्राम गेहूँ कबूतरों को डाल दिए, तो ए के पास शेष रहे गेहूँ हैं 3/5 किलोग्राम, दूसरा 8/5 किलोग्राम, 1/2/5 किलोग्राम और 2/1/5 किलोग्राम। तो इसका हल होगा कि 7/3 + 3/5 माइनस 1/3 बराबर 7/3 + 3/5 माइनस 4/3 बराबर हो गया 35+9 माइनस 20/15 बराबर 24/15 बराबर 8/5 या 1/3 किलोग्राम गेहूं शेष रहे। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक गांव की एक आधी जनसंख्या निरक्षर है और उसमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं? 5/3, 2/5, 1/5 और 4/5। तो हल होगा 1/2 × 2/5 बराबर 1/5 भाग। अतः निरक्षर महिलाएं कुल जनसंख्या का 1/5 भाग हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर व 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसी मासिक तनख्वाह 15,000 रुपये हो तो उसके द्वारा बचाई गई धन राशि है 1500 रुपये, 2250 रुपये, 3000 रुपये और 750 रुपये। तो इसको हल करेंगे तो होगा, इसको लिखेंगे कोष्टक में बड़े में 1 माइनस, फिर मझला कोष्टक में अंदर 1/5 + 1/2 + 2/8, फिर बाहर लिखेंगे × 15,000, फिर बराबर 1 - 8 + 20 + 10/40 × 15,000 बराबर 1 - 38/40 × 15,000, फिर 40 - 38/40 × 15,000 बराबर 2/40 × 15,000 बराबर 750 रुपये बचत। तो 750 रुपये बचत होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न
यदि 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 910 ग्राम हो तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल का वजन कितने ग्राम होगा? 1500 ग्राम, 1365 ग्राम, 13.65 ग्राम या 136.5 ग्राम? तो हल करेंगे तो होगा 910.1 × 1.5 बराबर 1365 ग्राम या 1.365 किलोग्राम। और नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम होगा, 3/2, 1/4, 3/4, 2/5 और 3/7। तो इसका क्रम पहला है 1/4, 2/5, 2/3, 3/7 और 3/4। दूसरा 1/4, 2/3, 2/5, 3/7 और 3/4। तीसरा 1/4, 2/5, 3/7, 2/3, 3/4। चौथा 1/4 और 3/7, 2/5 और 2/3 और 3/4। तो इसका हल होगा, आरोही क्रम ज्ञात करने हेतु इसके हर का एलसीएम याद कर उन्हें समान हर वाली भिन्न में परिवर्तित करते हैं। जैसे एलसीएम बराबर हो गया 420, 2 × 140/420, 1 × 105/420, 3 × 105/420, 2 × 84/420 और 3 × 60/420 बराबर हो गया 280/420, 105/420, 315/420 और 168/420 और 180/420। अतः इनका आरोही क्रम बढ़ते हुए अंश के अनुसार होगा, 105/420, 168/420, 180/420, 280/420 और 315/420, या फिर 1/4, 2/5, 3/7 और 2/3 और 3/4 उत्तर होगा सही। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 3/8, 2/9, 4/7, 3/7, 3/4 भिन्नों का सही अवरोही क्रम होगा। जैसे 4/7, 3/8, 3/7, 3/4 और 2/9। दूसरा 3/4, 4/7, 3/8, 3/7 और 2/9। तीसरा 3/4, 4/7, 2/9, 3/8, 3/7। चौथा 3/4, 4/7, 3/7 और 3/8 और 2/9। तो इसका हल करेंगे तो होगा, जैसे 4, 8, 9, 7, 4 का एलसीएम बराबर 504 ज्ञात करने के बाद 3 × 63/504, 2 × 56/504, 4 × 72/504, 3 × 72/504 और 3 × 126/504 बराबर हो गया 189/504, 112/504, 288/504 और 216/504 और 378/504। तो इसका सही अवरोही क्रम जो होगा 378/504, 288/504, 216/504, 189/504 और 112/504, या फिर इसको लिखेंगे 3/4, फिर 4/7, फिर 3/7, फिर 3/8 और 2/9। ये सही इसका अवरोही क्रम होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्न में से सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 1/5, 1/7, 2/7, 3/8, 3/14 और 6/25। तो पहला है 1/7 एवं 3/28, दूसरा 3/28 एवं 1/7, तीसरा 3/28 एवं 2/7 और चौथा 1/7 एवं 6/25। तो इसका हल होगा कि एलसीएम लेने पर 5, 7, 28, 14 व 25 का एलसीएम 700 ज्ञात करने पर हो गया 1/1 × 140/700, 1 × 100/700, 2 × 100/700, 3 × 25/700, 3 × 50/700, 6 × 28/700 बराबर हो गया 140/700, 100/700, 200/700, 75/700, 150/700 और 168/700। इनमें सबसे बड़ी भिन्न जो होगी 75/700 बराबर 3/28 एवं सबसे बड़ी भिन्न 200 बराबर होगी 200/700 या 2/7 होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 4/9 और 5/12 और 6/15 और 7/8 और 8/21 भिन्नों को यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऊपर सबसे बड़ी से दूसरी और दूसरे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/15, 5/12, 8/21 और 4/9। तो इसको हल करेंगे तो होगा 9, 12, 15, 18 व 21 का एलसीएम होगा 1260 ज्ञात
करने पर 4 × 140 / 1260, 5 × 105 / 1260, 6 × 84 / 1260, 7 × 70 / 1260 और 8 × 60 / 1260। इनका आरोही क्रम होगा 480 / 460, 490 / 460, 1260 सॉरी, और 504 / 1260, 525 / 1260 और 560 / 1260। अरे दूसरी सबसे बड़ी भिन्न होगी 525 / 1260 या 5 / 12 होगी, तथा सबसे बड़ी 562 / 1260 या 4 / 9 होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न क्रमश से कौन सी है? 13/15, 7/15, 9/15, 4/15, 8/15 और 11/15। तो इसमें पहला है 13/15, 7/15, दूसरा 13/15, 4/15, तीसरा 13/15, 11/15 और चौथा 4/15 और 13/15। तो इसका हल होगा कि सभी भिन्नों में हर समान है, अतः जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, तथा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। और प्रश्न में सबसे बड़े अंश 13 वाली भिन्न 13/15 सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंश 4 वाली भिन्न 4/15 सबसे छोटी भिन्न होगी। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, निम्न भिन्नों का सही आरोही क्रम है 9/16, 3/16, 1/16, 13/16 और 11/16। तो पहला है 13/16, 11/16, 9/16, 3/16 और 1/16, दूसरा 1/16, 3/16, 9/16, 11/16 और 13/16, तीसरा 3/16, 9/16, 1/16, 11/16, 13/16, चौथा 3/16, 1/16, 9/16, 11/16 और 13/16। तो इसका हल करने पर होगा कि ये सभी भिन्नों के हर समान है, अतः अंश के बढ़ते हुए क्रम में भिन्न आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और सबसे छोटा अंश 1 है, अतः 1/16 भिन्न सबसे छोटी एवं सबसे बड़ा अंश 13 है, अतः 13/16 सबसे बड़ी भिन्न होगी। नेक्स्ट है प्रश्न 23वां कि 3/14 और 9/14 और 6/14 और 13/14 और 5/14 भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाने पर सबसे दाईं ओर वाली भिन्न कौन सी होगी? 13/14, 6/14, 13/14, 3/14 और 9/14। तो इसका उत्तर होगा कि तीसरा सभी के हर समान है, अतः अवरोही क्रम में जमाने हेतु इसके अंश को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। सबसे बड़ा अंश 13 है, अतः सबसे बड़ी भिन्न 13/12 और एवं सबसे छोटा अंश 3 है, अतः सबसे छोटी भिन्न 3/14 होगी। और इसका अवरोही क्रम होगा 13/14, 9/14, 6/14, 15/14 और 3/14। अतः सबसे दाईं ओर वाली या सबसे छोटी भिन्न